अध्यक्ष महोदय और नेता प्रतिपक्ष की बात को आगे बढ़ाते हुए आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, राजभवन का जो दृश्य है, अमरूदों के बाग में जब कभी प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हैं उस प्रकार का दृश्य है। हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, आर्टिकल 174 के अंदर उन्हें संविधान ने अधिकार दिया कि वो विधानसभा का सत्र युक्ति युक्त कारण होने के कारण जब हो तो 21 दिन के नोटिस दे के बुलाए। मुख्यमंत्री जी अपने उदंत विधायकों के दम पर 48 घंटे के अंतराल में जो सदन बुलाने की मांग कर रहे हैं, ये मांग न केवल संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल है बल्कि संवैधानिक परंपराओं के भी प्रतिकूल है। एक तरफ पूरे राजस्थान के अंदर लाखों लाखों विद्यार्थियों की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई कोरोना के कारण, और अभी जो एडवाइजरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी की जो इसी 31 जुलाई तक चरणबद्ध तरीके से अनलॉक 2 के अंदर जारी की, जिसको राजस्थान की सरकार ने स्वीकार किया, उसके अंदर उसके पैरा 1 के सब पैरा 4 में साफ लिखा है कि जिन गतिविधियों को किया नहीं जा सकता, सिनेमा हॉल, जिमनेजियम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स, जब भारत सरकार की वो एडवाइजरी जो कोरोना के अनलॉक के लिए जारी की गई थी जिसको राजस्थान की हुकूमत ने स्वीकार कर रखा है, फिर ऐसी क्या बात आन पड़ी जिसके बारे में इस प्रकार की बात हो। जो मुख्यमंत्री ये कहे कि 1.5 साल तक उन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री से बात नहीं की, ये बात इस बात को सिद्ध कर रही है कि इस पूरा गतिरोध जो दो घटकों में बटी कांग्रेस के बीच में है, जिसने इस प्रकार के दृश्य पैदा कर दिए। एक जो संवैधानिक सवाल खड़ा हुआ है, माननीय विधायकों की विधानसभा के बाहर के कृत्य को हम शेड्यूल 10 की उस परिधि में अयोग्यता में ला सकते नहीं ला सकते, जब ये मामला आज सर्वोच्च न्यायालय तय कर रहा है तो उच्च न्यायालय के सिर्फ स्टेटस को मेंटेन करने के आदेश के कारण बाद में इतनी बौखलाहट क्यों? ये इस बात को सिद्ध कर रही है कि उन्होंने लोकतंत्र पर पहरा लगा रखा है। मुख्यमंत्री जी को पूरी आशंका है कि उन्होंने जोड़ तोड़ करके जो 98-97 लोगों को एक होटल में बंधक बना रखा था, अगर वो बेचैन है, रोज उनको ये आके कहते हैं कि आज यहां से निकल कर जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, उन्हें ये आशंका है कि उनका बाड़ाबंदी टूटते ही सब लोग अपने अपने मुकाम पर चले जाएंगे, अपने अपने हिसाब से चले जाएंगे, और उनकी सरकार जो अब आंशिक अल्पमत में पूरी अल्पमत में आ जाएगी। और मैं समझता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी, अगर हमारे जो नियम बने हुए हैं विधानसभा के नियम आर्टिकल 208(1) के तहत, उसके अंदर नियम 3 को पढ़ लेते जिसमें सदन को आहूत करने के नियम बने हुए हैं, तो शायद ये बात वो नहीं कहते। उसमें महामहिम राज्यपाल को अधिकार दिया गया है कि वो उचित स्थान पर उचित समय के अंदर युक्तियुक्त कारण होने पर सदन आहूत करेंगे। आज राज्यपाल महोदय को तानाशाह का कहना, मैं समझता हूँ जिस प्रकार की नारेबाजी हो रही है, आज तक हमें जब कभी भी बड़े से बड़े क्राइसिस में महामहिम राज्यपाल के माध्यम से हम भारत सरकार को भी ज्ञापन देते हैं, परंतु ऐसा दृश्य कभी नहीं। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी का यह कृत्य ये कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन की ओर बढ़ रहा है। आर्टिकल 356 का प्रयोग राजस्थान में न करना पड़े, ये आपकी हम सब की मंशा है, परंतु जिस प्रकार महामहिम राज्यपाल पर कहते विरुद्ध में नारेबाजी हो रही है, उनके सामान्य कामकाज को बाधित करने का काम किया जा रहा है, और जिस प्रकार की बेहूदगी मांग की जा रही है, ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। और इस ब्रेकडाउन में अगर बौखलाहट है उच्च न्यायालय के आज के स्टेटस को निर्णय के कारण से, जिनके कारण उन्हें लगता है कि अगर कुछ विलंब हो गया तो उनके ताश के पत्तों की तरह उन्होंने जो जोड़ तोड़ किया बिगड़ जाएगी। आज महामहिम राज्यपाल जो किसी दल के सदस्य नहीं है, उनके उस राजभवन में जो संवैधानिक प्रमुख के रूप में हमारे लिए एक तरह से संविधान की में आस्था रखने वाले लोगों के लिए आदर का केंद्र है, उसमें इस तरह का बर्ताव पूरा देश देख रहा है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और उस पूरे कारण में कारक अगर कोई है तो राज्य के मुख्यमंत्री है, जो इस कुंबे के मुखिया थे, उन्होंने अपने ही उप मुख्यमंत्री से 1.5 साल तक संवाद नहीं किया, संवादहीनता
और अपमान की राजनीति ने आज राजस्थान को दो हाथ पर लाकर खड़ा कर दिया। राजस्थान की सरकार अदृश्य हो गई, लोगों टिड्डी का लगातार हमले हो रहे हैं। आज राजस्थान एक और सूखे की ओर बढ़ रहा है। कोरोना राजस्थान के अंदर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। आज 33,000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमित लोग हो गए। आज 600 के लगभग डेथ हो गई। ऐसे समय के अंदर इस प्रकार का कृत्य मैं समझता हूँ बिल्कुल संवैधानिक मर्यादाओं के प्रतिकूल है, हम इसकी निंदा करते हैं।